जम्मू पुलिस जिंदाबाद जरूर लिखें। इस समय की बड़ी अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं कि एक सीआरपीएफ के जवान की पत्नी रमता समेत चार लोगों को पुलिस ने हीरोइन जैसे नशे के साथ गिरफ्तार किया है। सैल्यूट करना होगा एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह जी को और साथ ही साथ बिश्नाह थाने के थानेदार इंस्पेक्टर सुशील चौधरी जी को और उनकी पूरी टीम को, जिनकी तरफ से एक बड़ी कार्यवाही जो है वो बिश्नाह इलाके में देखने को मिली है, जिसमें बता दें कि एक सीआरपीएफ के जवान की जो पत्नी है उसे गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ साथ चार के करीब, यानी कि उसके समेत चार लोगों को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन हैरानगी की बात है कि जनाब सीआरपीएफ के जवान जो है वो दिन रात ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और करी थी जिसका नाम ज्योति बाला, जिसे रमता के नाम से ज्यादा जाना जाता है, सनफ रामपाल, और इसी के साथ साथ एक सन्नी सांसी नाम का युवक, सन्नी उर्फ सांसी, जो कि जिसकी जो है वो हत्या कर दी गई थी कुछ दिन पहले, उसकी पत्नी को रश्मि लंगे उसका नाम है, उसे भी जो है पुलिस, उसके साथ साथ रेखा कुमारी जिसे काजल के नाम से ज्यादा जाना जाता है, सनफ अनिल कुमार, और प्रवीण कुमार जिसे पिन्ना के नाम से जाना जाता है, सनफ देवराज, इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि जिस तरह से जम्मू जिले की बिश्नाह पुलिस की नशा बेचने वाला हो या फिर करने वाला हो उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। लेकिन इस बीच जम्मू जिले की बिश्नाह थाने के थानेदार इंस्पेक्टर सुशील चौधरी जी द्वारा जो है वो सायरा की जो है वो इसमें मदद ली गई है, और बता दें कि सायरा ने कमरे में छिपाकर रखे चिट्टे को जो है वो घर से बाहर निकाला है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। नशे के खिलाफ बिश्नाह पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें जम्मू पुलिस की नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो जारी है, जिसमें बिश्नाह पुलिस ने जो है वो अपने इलाके में एक नशे के ठिकाने पर छापा मारा है। और इसमें बता दें कि पुलिस की तरफ से स्पेशल क्राइम विंग के जो डॉग जिसका नाम सायरा है, जो कि चिट्टा पकड़ने में बहुत ही माहिर है, उसकी मदद ली गई है। और बता दें कि मौके से जो है वो जो कई सारे जो तेजधार हथियार हैं, कुछ नकदी रुपए हैं, वो मोबाइल फोन है, स्कूटी व एक महंगी कार बरामद हुई है। दो महिलाओं समेत तीन लोगों को इसमें पकड़ा गया है। इलाके में बड़े तरीके से नशे के कारोबार को जो है वो किया जा रहा था और पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला जो है वो दर्ज कर लिया है। जानकारी जो हमें मिल रही है उसके मुताबिक बिश्नाह पुलिस को एक जानकारी मिल रही थी कि चोरली नहर के पास इलाके से जो है वो एक तस्कर जो है वो परिवार चिट्टे का कारोबार करता है, और इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने जो है वो मजिस्ट्रेट को साथ लेकर मौके पर छापा मारा है। पुलिस अपने साथ स्पेशल क्राइम विंग का डॉग भी जो है वो ले गई थी, और इसी से पता चलता है कि पुलिस कितनी तैयारी के साथ वहां पर गई हुई थी। लेकिन टीम ने जो है वो एकदम से बलदेव के घर पर छापा मारा, और बलदेव व उसकी पत्नी इस समय जो है वो जेल में बंद है, जबकि उनका बेटा सन्नी सांसी की हत्या हो चुकी है और सायरा ने घर को खंगालना शुरू कर दिया। इसकी खासियत यह है कि सायरा नशे की खेप को जो है वो ये कहें कि तलाश करने में माहिर है, और उसने घर के अंदर छिपाई गई जो हीरोइन थी कर लिया है, जिसके बाद पुलिस भी हैरान रहेगी कि किस तरह से इसमें जो है वो एक सीआरपीएफ के जवान की जो पत्नी, जिसका नाम यहां पर ये बताया जा रहा है कि ज्योति बाला उर्फ रमता बाईफाफ रामपाल, इसे जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ तीन और लोग हैं जो कि यहां पर चिट्टा बेचने में यहां पर मदद करते थे, नौजवानों को लुभाने में काम करते थे, एक अपने आप में बहुत ही बड़े शातिर जो नशा तस्कर हैं ये माने जा रहे हैं। और बता दें कि इसमें प्रवीण कुमार उर्फ पिन्ना नाम का जो व्यक्ति है, ये जो है वो तेजधार हथियार लेकर घर के बाहर बैठा रहता था, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर या कोई भी युवक वहां पर नशा लेने के लिए आता है तो वो कोई भी किस तरह की कोई गड़बड़ी ना कर दे, किसी को कोई जानकारी ना दे दे, कोई हल्ला गुल्ला वहां पर ना कर दे, कि जिसके लिए वहां पर जो है वो ये डराने का काम करता था। लेकिन सल्यूट है एक बार फिर से पूरी बिश्नाह की पुलिस को, जिन्होंने इस पूरे मामले के हवाले से FIR नंबर 203/2024 NDPS एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन बिश्नाह में मामला दर्ज कर लिया। अभिषेक जी एक बार फिर से मैं जनता को ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये वो उन लोगों की तस्वीर है जिन्हें बिश्नाह पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक सीआरपीएफ के जवान की महिला भी शामिल है। तो सीआरपीएफ के जवान, हालांकि सीआरपीएफ को हम किसी भी तरह से कोई बदनाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीआरपीएफ अगर फोर्स की बात करें तो काफ़ी, ये कहें कि काफ़ी तेजतर्रार जो फोर्स है, जो कि हमेशा दिन रात हम सब लोगों की सेफ्टी को यकीनी बनाने के काम करती है। और इसमें सीआरपीएफ के जो जवान हैं जिनकी पत्नी ने ऐसा काम किया है, इसमें हम उनको भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी के घर का कोई सदस्य गलत रास्ते पर चले या फिर गलत काम करे। बल्कि अब ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर आप लोग भी अपने अपने सुझाव जो वो कमेंट्स में जरूर साझा करें। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून का, अपने पर्सनल अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।